नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं टेक्निकल साइज। तो MI 11 में फाइनली अप्रैल का अपडेट आ चुका है। अभी मार्च चल रहा है तो अप्रैल का अपडेट कैसे आ गया ये तो समझ नहीं आ रहा, तो मैं आपको अपडेट करके दिखाता हूँ, फिर पता लगेगा कि अप्रैल का अपडेट है या मार्च का। तो वीडियो को जरूर ध्यान से देखें। तो जब तक अपडेट इंस्टॉल हो रही है तब तक मैं फास्ट फॉरवर्ड करता हूँ वीडियो को। आप भी मुझे चेक करके अपने मोबाइल में बताएं, कमेंट्स में बताएं कि आपको भी अप्रैल ही लिख के आया है यहाँ पे या आपको मार्च लिख के आ रहा है। तो ये अपडेट 440 MB का है, आप जैसे दे सकते हैं। अगर आपको ये अपडेट अभी तक नहीं मिला तो आप प्लीज़ क्लियर डाटा ना करें इसका, गूगल फ्रेमवर्क्स का, उससे आपके मोबाइल में दिक्कत आ सकती है, प्ले स्टोर काम नहीं करेगा उससे, आपका वो ऐप डाउनलोड वगैरह नहीं कर सकते। मैंने भी वो अपने मोबाइल में किया था, मेरे ऐप्स डाउनलोड होने बंद हो गए थे प्ले स्टोर से। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर भी क्लिक कर लें, जिससे ये होगा कि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूंगा तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अगर आपको इंस्टॉलिंग में कोई एरर आता है, फाइल डाउनलोड होने के बाद आपकी इंस्टॉल नहीं हो पाती, तो उसका मतलब आपने फ़ोन को या रूट किया हुआ है या कोई मोबाइल के सॉफ्टवेयर से पंगे लिए हुए हैं। तो उसका यही तरीका है कि आप स्टॉक रोम दोबारा फ्लैश कर लें मी फ्लैशर से, फिर अपडेट करें इसे। पहले तो फरवरी का अपडेट जल्दी नहीं आया, फरवरी का अपडेट मार्च में आया, तो मार्च का अपडेट आया नहीं तो सीधा अप्रैल का अपडेट, ये बात हजम नहीं हो रही है। तो ये अपडेट करके पता लगेगा कि ये सॉफ्टवेयर की मिस्टेक है या सच में आया अप्रैल अपडेट। तो अपडेट सक्सेसफुल इंस्टॉल हो चुकी है, तो रीस्टार्ट की ऑप्शन आ चुकी है, तो हमने किया रीस्टार्ट, फोन अब होगा बूट। चैनल को जो सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो का लाइक जो कर दें, शेयर कर दें, ताकि बाकी लोग भी अपडेट कर पाएं फोन को। तो फ़ोन फाइनली बूट हो चुका है, तो अब मैं आपको सेटिंग में जाकर दिखाता हूँ कि अप्रैल है या मार्च है। तो आप देख सकते हैं सक्सेसफुली अपडेट, अबाउट फोन, तो देख सकते हैं आप, ये शाओमी की गलती है, अपडेट में उन्होंने लिख दिया अप्रैल का अपडेट लेकिन आया है मार्च का अपडेट ही, तो ये बहुत बड़ी गलती है। जो अपडेट रिलीज करते हैं उन्होंने डिस्क्रिप्शन गलत लिख दिया है, तो मार्च का अपडेट तो चलो आ गया, अब उम्मीद है कि अप्रैल का भी अपडेट टाइम से आ जाए। तो मार्च का अपडेट भी टाइम से ही आया है, क्योंकि हमेशा शाओमी जो भी अपडेट रिलीज करता है 20 और 25 के बीच में ही करता है, तो उम्मीद है कि मार्च अप्रैल का भी अपडेट फटाफट मिल जाए और 8.1 का अपडेट मिल जाए तो बहुत बढ़िया बात है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपके लिए मैं ऐसी वीडियोस लाता रहता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड ऑल्सो प्रेस दिस बेल आइकॉन।